ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई जींद जान लग रहे थे शीशर गाँव में खड़े हाँ चोगरदा दिखा देख बार यानी शीशर मैन अड्डा पे इंटल खुर्द भी बोला इसने बोर्ड भी आपने दिख जाएगा। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए हैं जो मतलब इन्हों का कर एक प्रेरणादायक अगर आप बात करें एक छोटा हा बालक है 9-10 साल उम्र होगी मेरे ख्याल में और यू इसके जो हालात है एक बार अपना सारी चीज़ मतलब बारीकी तो दिखावांगे। कई बार यह आग्रह नहीं मतलब हालात और जो परिस्थितियाँ वो आदमी ने किसी कदर तक भी मजबूर कर दिया करें लेकिन जिसके हौसले बुलंद हो इरादे मजबूत हो और ज़िंदगी में कुछ करने का साहस हो उस आदमी का अंदर तो कामयाबी फिर ज़्यादा दूर नहीं होती। मतलब इरादे अगर बुलंद हैं और आपके अंदर हौसला है तो कोई भी परिस्थिति मतलब आपने इस कदर मजबूर नहीं कर सकती कि आप सारा परिस्थिति पर टाल दो कि भाई यह चीज़ नहीं हो सकती। छोटा हा बच्चा प्रेरणादायक ये है कि इसके आप हालात देखो। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कितने गरीब होंगे हालांकि आत्मनिर्भर हैं कि अपना करके खा रहे हैं कितनी गरीबी होगी कि जिस हालात के कारण इस बच्चे ने उरे पढ़ना पड़ा। दूसरी जो बड़ी चीज़ है सोनू एक बार नज़दीक तो दिखाई एक बार सबसे पहले मैं अपने विपलिंग दिखाना चाहूँगा यानी परिस्थितियाँ मैं अपना दिखा रहा हूँ कोई इसका नहीं होने भाई इसका कोई मजाक उड़ाया जा रहा है या इसकी मतलब ये जो है वो परिस्थितियाँ दिखावांगे कि परिस्थितियाँ किसी और उन परिस्थितियाँ में यू बालक के कर रहे हैं यू पिलंग आपने दिखने लग रहे हैं यानी जर्जर हालात में टूटे पड़े हैं उसके बाद यू फटा देख लो। और भाई ये नहीं है कोई कंप्यूटर कांडा दुकान वाला तो उधर ले जिसका अच्छा जुगाड़ हो बट्टा वाला कांडा है और बिल्कुल जर लग रहा है यानी शायद हो उसका कहीं पर काम शुरू करे हो और 2 फुट्टी ये लंबी नीचे रखे उसके ऊपर कांडा जता गया अमरूद रखे यू बालक पढ़ने लग रहा है आप देखो भी यू पढ़ने लग रहा है। छोटे भाई के नाम है आरपी 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 ऊपर देख एक बार उसका नहीं एक मिनट रुक दे। गांव कौन सा आपका इंटल खुर्द योशी सर अच्छा कमी क्लास में पढ़ा है पांचवी उम्र कितनी होगी मेरी 10 साल की 10 साल होगी अच्छा पूरे आपके पापा क्या करें काम के काम करा रहे हैं सीरी लाग रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी करा है सीरी लाग रहा है अच्छा अच्छा आपकी मम्मी क्या काम करे मेरी भी मम्मी खेत में काम करती है दिहाड़ी मजदूरी पे हाँ। खुद की जमीन है करके ना खुद की कौन है क्या बहन भाई हो मम दो दो दूसरा भाई है बेबे ना दो बेबे दो भाई दो बेबे दो भाई बड़ी है बेबे मेरे तो एक बड़ी है एक छोटी है और भाई भाई एक मेरे तो छोटा एक तेरे तो छोटा है वो कौन सी क्लास में तीसरी में है तीसरी में तीसरी में हाँ। अच्छा एक बात बताइए अमरूद मतलब हर रोज आप बेचो या आपके पापा बेच रहे हैं मैं हर रोज स्कूल में जाता जाऊँ कौन से स्कूल में पढ़ा रहे राज के प्राथमिक पाठशाला इंटल खुर्द जी इंटल खुर्द में छुट्टी होने के बाद फिर आ जाएगा अमरूद बेचा हाँ काम करके अच्छा काम करके मतलब पूरे स्कूल का काम करने लग रहे हैं और भी कापी किताब ले रहे हैं के ले रहे हैं ना बस मैं काम करूँ मैथ की है कापी हाँ। अच्छा तो इसमें मतलब कि कितना के गुजारा हो जाए कितने बिक जाए एक दिन में एक दिन मैं 600-700 के अच्छा काम चल जाए तो मतलब 4 बहन भाई हो हाँ अच्छा काम ठीक चल रहा है घर का हाँ ठीक चल रहा है माँ बाप दिहाड़ी कर रहे हैं देखो भाई मेन चीज यही है या एक सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेट खातर यानी एक प्रेरणा देने खातर यह वीडियो बनाई है कि यू बालक है नहीं जो आरपी नाम है हाँ जी ए टू जेड हरियाणा हाँ जी यू जो छोटा हा बालक है बट एक यू प्रेरणा ये देने लग रहा है कि कदे भी इंसान ने अपना जो काम है नहीं वो परिस्थितियाँ पर नहीं टालना चाहिए हालात पर नहीं टालना चाहिए सारा दिन मरूद बेचा गाड़ा बैठा रहूगा छाया है गाँव में जगह तो अपनी ओर छाया और दूसरी चीज़ उसके साथ ही पढ़ने लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब इसके अंदर एक पढ़ाई का इतना जज्बा तो जरूर है कि मतलब भाई इसने ये चीज़ तो दिखा है कि अपना जो परिवार है इसके माँ बाप देखो दिहाड़ी करे हैं सीधी सीधी बात है भाई दिहाड़ी में कोई आदमी इतना ना कि इतना कमा लेगा या ज़्यादा इकट्ठे वो कर ले लेकिन इसका जो जज्बा है और इसका जो जुनून है वो कम से कम जिंदगी में कि इतना तो जरूर होगा कि यू बालक जो है आगे बढ़ सके। और रही बात जिस तरीके का यू छोटा भाई है जो पढ़ने लग रहा है और हमारा जो फौजी भाईचारा ग्रुप आपने पता भी है सबकी मदद करे है अगर इन बालका ने पढ़ाई तो रिलेटेड किसी भी चीज़ की मतलब दिक्कत होगी कापी कपड़ा किताब मतलब स्कूल ड्रेस बैग जो भी होगी तो फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से 200% इस भाई की मदद करी जाओगी। इसे बालका ने आगे बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर जज्बा है पढ़ाई का
क्योंकि इसने ये चीज़ नहीं देखी कि भाई अमरूद बेचन लग रहे हैं और मऊरे बैठ के इसे काम पर लग रहे हो, यूँ फिर भी पढ़ने लग रहा है इन हालातों में भी। तो ज़रूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है और आपके सोच विचार के एक इस बालक की एक जो प्रेरणा देखना आपने किसी लगी वो ज़रूर आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से देनी है और वीडियो ज़रूर शेयर करनी। जय जवान जय किसान।